बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में हैं। कल बागेश्वर धाम की सरकार का बिहार में दिव्य दरबार लगेगा और ऐसे में बाबा बताएंगे कि किसके पर्चे में क्या लिखा है। लोग बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम के पीठाधीश महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए पटना से सटे नौबतपुर पहुंच रहे हैं। लाखों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन ऐसे में बात जब बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हो रही है तो बाबा खुले मन से कई बार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिहार आए। हमने सवाल पूछे कि अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो आरजेडी विरोध करेगी। देखिए बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा कि हम हिंदू हिंदू करने आए हैं, हिंदू मुसलमान करने नहीं। लेकिन जब बाबा पर्चा खोलने वाले हैं, जब बाबा दिव्य दरबार लगाने वाले हैं, कल दिव्य दरबार लगेगा, उससे पहले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी अपनी एक अर्जी बाबा के नाम लगा दी है। जी हाँ, रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी है, वो रोहिणी जिसने अपने पिता को जीवन दान दिया अपना किडनी डोनेट कर, उस रोहिणी आचार्य ने एक अर्जी लगाया है और ये अर्जी बिहार के हर लोगों के लिए है। रोहिणी ने कहा है कि बाबा हमारी भी अर्जी सुन लो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दो। हम आपको दिखा रहे हैं रोहिणी आचार्य के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट की तस्वीर है और आप देख सकते हैं रोहिणी ने लिखा है, पर्ची वाले बाबा से हमारी यही विनती है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी करनी पूर्ति है। यानी साफ तौर पर रोहिणी कह रही है कि पर्ची वाले बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपसे यही विनती है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग पिछले सालों साल से जेडीयू आरजेडी करते रही है उसकी पूर्ति तो करवा दीजिए। साथ ही साथ तस्वीरें भी साझा करती है और वो लिखती है, आरती उतारो इनका, आरती उतारो, 2024 के चुनाव का यही मुद्दा बनाओ, महंगाई भ्रष्टाचारी से मुंह मोड़ जाओ, दंगाई बनकर बिहार में जीत का फॉर्मूला सेट कर जाओ। देखिए बागेश्वर धाम वाले बाबा आए हैं तो आरती बीजेपी के तमाम नेता उतार रहे थे, लेकिन ऐसे में अब रोहिणी आगे लिखती है, हाँ आरती से याद आया, वोटों की लालच में आसाराम को भी इन लोगों ने पूजनीय घोषित करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया था। देखिए तो ये रोहिणी आचार्य हैं और रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी हैं खुलकर बोलती है, जब भी मौका होता है लालू परिवार के विरोधियों को धोने का, उनकी खिंचाई करने का, तो रोहिणी पीछे नहीं हटती है। भले वो भारत से दूर सिंगापुर में है, लेकिन सिंगापुर में बैठे रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के माध्यम से हर बार आक्रामक तेवर दिखाती है, हर बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर दिखती है। लेकिन अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तो हमलावर हैं ही। बिहार में जब बीजेपी के तमाम नेता, तमाम सांसद, तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं जो बिहार से हैं, वो जब आरती उतार रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के साथ, तो कह रहे हैं यही आरती उतारने वाले लोग हैं ना बीजेपी के लोग, कह रही हैं जो कभी आसाराम बापू को जो है वो पूजनीय घोषित कर दिए थे, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। इतना ही नहीं, ये भी कर रही है कि वोट का मुद्दा आ गया है, इसी महंगाई से दूर, बेरोजगारी से दूर, आरती पर ही रणनीति बने। देखिए रोहिणी आचार्य ये भी कह रही है, बाबा हमारी अर्जी सुन लो, हमारी विनती सुन लो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दो। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।